दोस्तों 80 और 90 के दशक में बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक खलनायकों ने बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। इस समय बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक खलनायक आए जो अपनी खोखार एक्टिंग और अपने निभाए गए किरदारों की वजह से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में जाने जाते हैं। ऐसे ही एक जबरदस्त 80 और 90 के डैशिंग विलन थे जिनकी नीली नीली आंखें, जबरदस्त पर्सनालिटी और इनके निभाए गए किरदारों को लोग आज भी याद करते हैं। इनके चेहरे को तो बहुत से लोग जानते हैं लेकिन बहुत से लोगों को इनके बारे में पता नहीं है। वैसे इनका नाम है तेज सप्रू। दोस्तों आपने तेज सप्रू को 90 के दशक में बहुत सी फिल्मों में हीरोइन के साथ छेड़खानी करते और अक्सर हीरो से लड़ते देखा होगा। अरे मेरा घर तो उस तरफ है, आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? जन्नत की सैर कराने डार्लिंग। लेकिन आज तेज सप्रू बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरह गायब हो चुके हैं। आज इस वीडियो में हम 80 और 90 के दशक के इस जबरदस्त और खोखार खलनायक तेज सप्रू की जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तेज सप्रू का जन्म हुआ था 5 अप्रैल सन 1955 को मुंबई में और इनके पिता भी एक जाने माने एक्टर रहे और इनके पिता का नाम था डी के सप्रू, पूरा नाम दया किशन सप्रू, जो कि कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। और इनकी मां का नाम था हेमवती सप्रू और इनकी मां भी फिल्मों में बतौर अभिनेत्री काम कर चुकी थी और इनकी बहन भी एक जानी मानी हीरोइन रही, नाम इनका प्रीति सप्रू। तेज सप्रू की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई में ही हुई थी। बचपन ही से उन्होंने अपने पिता के शानदार अभिनय को देखा था, यही वजह रही कि उन्होंने भी मन बना लिया था कि आगे जाके ये भी फिल्मों का हिस्सा बनेंगे। और अपने बचपन में ही उन्होंने एक फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर काम किया था। तेज सप्रू को उनकी पहली फिल्म मिली थी शाहिद जो 1965 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पे काम किया था। उसके बाद फिल्म सुरक्षा में नजर आए जो 1979 में रिलीज हुई थी। नक्शा अगर मामूली होता तो तुम्हारा गैंग इतना खून खराबा नहीं करता। मुझे तो पूरा यकीन हो गया है कि इस नक्शे के जरिए हम तुम्हारे हेडक्वार्टर्स तक पहुंच सकते हैं। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थी और हीरोइन थी रंजीता कौर। इस फिल्म में तेज सप्रू ने जैक्सन नाम के कैरेक्टर का रोल प्ले किया था। उसके बाद ये नजर आए 1980 में फिल्म कोबरा में। इस फिल्म में उन्होंने एक फाइटर के तौर पे काम किया था। उसके बाद 1981 की फिल्म लापरवाह में भी ये नजर आए। इस फिल्म में उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के भाई का किरदार निभाया था। इन दिनों फिल्मों में ये पॉजिटिव किरदार कर रहे थे। वैसे तो उन्होंने अपनी एक दो शुरुआती फिल्मों में पॉजिटिव किरदार निभाए लेकिन इनकी नीली आंखों की वजह से फिल्मों में उन्हें बतौर हीरो काम नहीं मिल पा रहा था, जिसके बाद उन्होंने बतौर विलन फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू कर दिया। 1983 की फिल्म हमसे है जमाना से उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाना शुरू किए और ज्यादातर फिल्मों में एक विलन के तौर पर ही काम करते रहे और हमेशा फिल्मों में विलन ही बने रहे। और 80 और 90 के दशक के सभी हीरो हीरोइन के साथ उन्होंने काम किया, चाहे वो धर्मेंद्र हो या शत्रुघ्न सिन्हा, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर, संजय दत्त, गोविंद दास, सलमान खान, जैकी श्रॉफ, सनी देओल, जितेंद्र और उस जमाने के सभी छोटे मोटे एक्टर के साथ उन्होंने काम किया। बात करें अगर इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों की तो वो है दिल तेरा आशिक, शहजादे, त्रिदेव, गिरफ्तार, युद्ध, इल्जाम, सल्तनत, लोहा, आग ही आग, मरते दम तक, पाप की दुनिया, तेजाब, 20 साल बाद, जंगबाज, शहजादे, कर्ज चुकाना है, विश्वात्मा, जीना मरना तेरे संग, संग्राम, दुलारा, मोहरा, हथकड़ी, गुप्त, साजन। और इसी के साथ साथ उन्होंने लगभग 250 से भी अधिक हिंदी फिल्मों में काम किया। हिंदी फिल्मों के साथ साथ उन्होंने टेलीविजन सीरियल में भी खूब नाम कमाया। उन्होंने 1996 की मशहूर टीवी सीरियल युग में भी काम किया और भी बहुत सी मशहूर टेलीविजन सीरियल में भी काम किया, जैसे कबूल है और सात फेरे। आजकल तेज सप्रू टीवी सीरियल से जुड़े हैं और दर्शकों को टीवी सीरियल के जरिए मनोरंजन दे रहे हैं। बात करें अगर इनकी निजी जिंदगी की तो उनकी शादी हुई थी 23 जून सन 1987 में और इनकी पत्नी का नाम है धनलक्ष्मी। इस शादी से उन्हें एक बेटी है, नाम है आकांक्षा सप्रू। दोस्तों आज हमने बात की बॉलीवुड के 80 और 90 के दशक के खलनायक तेज सप्रू की। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होंगी। और भी बॉलीवुड से रिलेटेड खबरें और बॉलीवुड बायोग्राफी पाने के लिए और बॉलीवुड की स्टोरी पाने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड गाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलती है किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।